नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है जे डब्ल्यू डब्ल्यू ज्ञान की बातें में। तो दोस्तों, आज हम बातें करेंगे सोलर की, सोलर सिस्टम की। आज की तारीख में इलेक्ट्रिक बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। महाराष्ट्र में हम रहते हैं, वहाँ तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दूसरे साइड रूरल साइड वगैरह में बिजली बहुत ज़्यादा जाती है, बहुत कम मिलती है, और शहरों वगैरह में मेट्रोज में काफ़ी महंगी होती है। तो इस वजह से हमारे एक मित्र हैं मिस्टर विक्रांत शुक्ला, तो वो सोलर का काम करते हैं, काफ़ी जानकार हैं सोलर के बारे में। तो हमने उनसे आग्रह किया कि भाई थोड़ा सा जानकारी हमारे मित्रों को भी दीजिए, बताइए कि सोलर से क्या क्या फ़ायदा होता है, सोलर प्लांट हम अपने घर ऑफिस में अगर लगाएं तो उससे हमारा क्या क्या बेनिफिट होगा। तो वो हमारे आग्रह को मान गए। तो दोस्तों चलिए आज बातें करते हैं सोलर की। बारे में सोलर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे पास में प्राकृतिक अवेलेबल है। आज हमारे पास सूर्य देवता हमारे पास अवेलेबल है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी चीजें हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। और सोलर सिस्टम में हमने एक टैगलाइन बनाया है, व्हाई रेंट इलेक्ट्रिसिटी व्हेन यू कैन प्रोड्यूस योर ओन। मतलब हमें किसी से रेंट पे लेने की जरूरत नहीं है, अगर हम अपनी चीजें खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं। सोलर सिस्टम आज के समय में हर एक इंसान की जरूरत है। आज आप अगर कोई भी चीज यूटिलाइज कर रहे हैं, उसमें हमारा मेजर कंजम्पशन जो होता है इलेक्ट्रिक से यूज होने वाली है। आज हर घर घर में इलेक्ट्रिसिटी की यूटिलाइजेशन बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन, और उसका नतीजा है कि हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है वो भी बढ़ती जा रही है। हर साल ये चीजें इंक्रीज होता जा रहा है। दोस्तों अब हम जानेंगे कि सोलर एनर्जी एक्चुअल में काम कैसे करती है। सोलर एनर्जी में जो आप देखेंगे कि ये पैनल जो है यहाँ से सनलाइट की इफेक्ट पड़ती है, ये फोटोवोल्टिक जो है ना फ्रेम होती है जहाँ से एनर्जी जनरेट होती है, ये इलेक्ट्रिसिटी में डीसी जनरेट होती है, और ये यहाँ से इन्वर्टर के थ्रू जो है ना एसी में कन्वर्ट होती है। आप सुबह में लाइव यूटिलाइज करते हैं, जो आप घर के लिए यूटिलाइजेशन होती है। अगर मुझे यहाँ पे 1000 यूनिट्स यूटिलाइजेशन करना है, सपोज कीजिए कि मैं एक दिन में 20 यूनिट जनरेट करता हूँ, कंज्यूम करता हूँ, तो सुबह में मेरी कंजम्पशन जो होती है वो 12 यूनिट की होती है। तो सुबह 9 बजे से 5 बजे के बीच में जो यहाँ से यूनिट जनरेट होगी वो हम यहाँ पे यूटिलाइज करेंगे 12 यूनिट, और आपकी बाकी के 8 यूनिट जो है ना सुबह में ही जनरेट कर देंगे हम, और वो मीटर के थ्रू गवर्नमेंट के ग्रिड में चली जाएगी, ताकि शाम में जब हमें यूटिलाइजेशन करना हो, जैसे आप कभी मोबाइल में एक्स्ट्रा बिल पे करते हैं तो पहले आपका वो यूज़ होता है, उसके बाद आपकी बिल जनरेशन होती है। तो ये सेम चीज़ यहाँ पे होगी। आप देखेंगे रात में जो है आपकी यही ग्रिड से जो है ये आप यूटिलाइज करेंगे जो घर में आप यूज़ कर रहे हैं, मतलब आपकी जो बिल है वो एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि सुबह में ही हमने शाम का भी जनरेशन कर दिया है। सिस्टम लगाने से आपको क्या फायदा हो सकता है? सोलर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो मेरी बिजली बिल को 90% तक घटा सकती है। बिजली बिल एक इंसान के लाइफ में कभी ना खत्म होने वाला खर्चा है, जो हम आज के समय में बिना सोलर सिस्टम के कभी बंद नहीं कर सकते हैं। सोलर सिस्टम आज के समय में इलेक्ट्रिसिटी का रिप्लेसमेंट है। क्यों? क्योंकि आज जो हम इलेक्ट्रिसिटी को पे कर रहे हैं उसमें 70% हमारी जो यूजेज होती है, 30% जो उनके चार्जेस होते हैं, जो हिडन कॉस्ट जो आप देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल के पीछे मेंशन होती है, जो टैक्सेस में पैसे जाते हैं। आज जो हम गवर्नमेंट से रेंट ले रहे हैं तो 11 रुपये यूनिट हमारा कॉस्ट हो रहा है, वो सेम चीज हम खुद की सोलर एनर्जी से उसकी कॉस्टिंग हमारी 2 रुपये होती है, तो हमारे पास 9 रुपये की सेविंग होती है जो हम यूटिलाइज कर सकते हैं। हमारे लिए सेविंग है, जो हमारे साथ में हमारे बच्चों के भविष्य के लिए सेविंग के रूप में ये काम आती है। सोलर सिस्टम दोस्तों ये एक ऐसा सिस्टम है जिस सिस्टम में आपको किसी के ऊपर आश्रित होने की जरूरत नहीं है, कि आने वाले 35 साल 40 साल तक इसकी बेनिफिट्स मिलते रहेगी। और सबसे अच्छी जो बेनिफिट है, इसमें कोई मेंटेनेंस का झंझट नहीं है। पहले जो सोलर सिस्टम होते थे वो बहुत महंगे होते थे, जो हर लोग के पहुँच के अंदर नहीं था। क्यों? क्योंकि उसमें जो आपकी जो यूटिलाइजेशन होती थी उसमें आपके पास बैटरी की यूटिलाइजेशन होती थी, जिसमें वो स्टोर होता था, और वो बैटरी 5 साल में चेंज करना पड़ता था, जिसकी वजह से मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती थी। आज सोलर सिस्टम में बैटरी का सिस्टम निकल चुका है, क्योंकि एक नए सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है गवर्नमेंट ने, जिसको हम नेट मेटरिंग सिस्टम कहते हैं। और नेट मेटरिंग सिस्टम में आपकी जो स्टोरेज होती है वो गवर्नमेंट के ग्रिड में होती है, वो किसी बैटरी में नहीं होती है। तो आपके पास बारिश के दिनों में भी बिजली रहेगी, आपके पास नॉर्मल डे में भी बिजली रहेगी। अगर मैं बात करूं तो सोलर सिस्टम ऐसा नहीं है कि केवल धूप रहेगी तो ही सोलर सिस्टम में एनर्जी जनरेट होगी। ये काम आपको करती है ई रेडिएशन के ऊपर। ई रेडिएशन जो होती है वो सुबह 6 बजे से स्टार्ट हो जाती है। वहाँ पे प्रोडक्शन जो आपका मेन जो जनरेट होता है सोलर सिस्टम में, वो सुबह 9 बजे से शाम में 5 बजे तक यूटिलाइजेशन होता है।
अगर मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी जो हमारी कॉस्ट है वो विदाउट सोलर में क्या कॉस्टिंग होती है और विद सोलर में क्या कॉस्टिंग होती है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। विदाउट सोलर जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी बिल पर एनम 1,64,575 रुपीज़ आ रही है, अगर वो 4% से भी इन्फ्लेशन अगर हम कंसिडर करते हैं तो 10 साल में हम लगभग 19,75,905 रुपीज़ पे करते हैं। मैं बात करूं तो यहां पे हमें 10 किलोवाट के सिस्टम बिठानी है तो वहां पे 13,300 रुपये हमें सब्सिडी मिलती है सरकार से पर किलोवाट, तो 10 किलोवाट में 1,33,000 रुपये हमें सब्सिडी मिलेगी और हमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट 7,50,000 रुपीज़ करनी पड़ रही है और हम 40 महीने में अपने लगाए हुए पूरे पैसे को रिकवर कर लेते हैं। 41 मंथ से हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो केवल 300 रुपीज़ होती है। एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट मंथ से 300 हो जाती है लेकिन अगर आप ROI कैलकुलेट करते हैं तो वो 40 मंथ एप्लीकेबल होती है। आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल नेक्स्ट मंथ से जो आपकी मीटर कॉस्ट है केवल वो होती है। अगर मैं यहाँ पे 90% की सेविंग करता हूँ तो मेरे लिए ये एक 35-40 साल की सेविंग होती है जो मेरे लिए बहुत बड़ी सेविंग होती है क्योंकि मेरे लाइफ में हर एक चीज इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ा हुआ है, चाहे हम टीवी देखेंगे या हम प्रेस करेंगे, मोबाइल यूटिलाइज करेंगे। आज हमारे यहाँ लाइट चली जाती है 10 मिनट के लिए तो हम ढूंढने लगते हैं कि भाई क्या करूँ, किसको फोन करूँ। यहाँ पे आपके खुद के पास ये चीजें अवेलेबल है जो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बहुत अच्छी चीजें हैं, सबको यूज करना चाहिए। आज ये बहुत इकोनॉमिकल कॉस्ट में अवेलेबल है। अगर मैं बात करूं कि मेरे घर में अगर इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं और मेरी जो बिजली बिल अगर आ रही है तो वहां पे हमारे पास अगर AC नहीं है तो हम वन टाइम इन्वेस्टमेंट करते हैं 1,00,000 रुपीज और मेरे पास 25 साल के लिए जो सोलर सिस्टम है वो 25 से 30 साल के लिए स्टैब्लिश हो जाएगी जिसमें मैं 3 से 4 पंखा चला सकता हूँ और 8 से 10 लाइट जला सकता हूँ जिसमें हमारा वन टाइम इन्वेस्टमेंट 1,00,000 रुपीज के करीब होती है। ये काम कैसे करता है सोलर सिस्टम जो काम करता है, इसमें 3 पैनल लगते हैं 1 किलोवाट सिस्टम के लिए। एक पैनल आपको एक दिन में 1.5 यूनिट जनरेट करती है और ये 3 पैनल अगर मैं बात करूं तो 3 पैनल की जो टोटल वोल्टेज होंगी वो 1050 वोल्टेज होंगी जिसके ऊपर आप सोलर सिस्टम के थ्रू जो जनरेट कर रहे हैं 1050 वॉट जनरेट कर रहे हैं और ये 1050 वॉट मुझे जो प्रोड्यूस करती है वो एक महीने में 135 यूनिट प्रोड्यूस करती है। बिजली जो हमें मिल रही है वो गवर्नमेंट की जो मिल रही थी वही मिल रही है। हम बेनिफिट ये ले रहे हैं कि हम जो सोलर से जनरेट कर रहे हैं ये गवर्नमेंट को दे रहे हैं जिससे हमारा जो यूनिट कंजम्पशन अगर 2000 है तो वहां पे हम 2500 जनरेट कर रहे हैं। जो एक्स्ट्रा हम जनरेट कर रहे हैं उसका जनवरी से अप्रैल से लेके मार्च तक में जितने भी मंथ होंगे वो कैरी फॉरवर्ड होंगे। मार्च में अगर आपका अगर यूटिलाइजेशन कम है और जनरेशन ज्यादा है तो आपको मार्च में गवर्नमेंट वो पैसे पे बैक भी करेगी। ये भी सिस्टम है, अभी तक हम लोग गवर्नमेंट को पैसा देते आए हैं, लेने की अपॉर्चुनिटी अभी आ चुकी है। आज हमारे जितने भी मेट्रो स्टेशन है वो सारे मेट्रो स्टेशन की सारी जो एलिवेटर्स है, जो लाइट्स है, जो टेलीविजन है वो सोलर से ही चलती है। सोलर सिस्टम से आपको मैं बताना चाहता हूं कि आज जो हमारी आइकॉनिक जो पिक्चर हॉल है, जो मेट्रो थिएटर है, जो मरीन लाइन में, वो आज सोलर सिस्टम के ऊपर फुल्ली रन हो रही है। मतलब उस सिस्टम से वहां AC चल रही है, वहां पे मेट्रो के सारे प्रोजेक्टर चल रहे हैं, ईच एंड एवरीथिंग 5-स्टार बेनिफिट्स आपको वहां पे दिया जा रहा है। हमारा देश पहला देश है दुनिया में जिसने सोलर ट्रेन स्टार्ट किया और सोलर ट्रेन आज ये ओके टेस्टेड हो गई है। पिछले 6 महीने से दिल्ली से हरियाणा वाले रूट में सोलर ट्रेन DMU चल रही है जो बहुत ही सक्सेसफुल चल रही है जिससे हमारे देश में बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी के कंजम्पशन में बचत हो सकती है। वो इलेक्ट्रिसिटी जो हम यूज करते हैं 60% प्रोडक्शन जो होती है वो कोयले से होती है। हमारे पास जो कोयला है वो आने वाले 10 साल में खत्म हो जाएगी और कोयले से जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है तो उसके लिए क्रूड ऑयल की यूटिलाइजेशन होती है, वो भी बहुत लिमिटेड संसाधन हमारे पास अवेलेबल है। क्यों सोलर हमें लेना चाहिए और उसमें क्या क्या बेनिफिट्स हैं, तो सबसे फर्स्ट जो बेनिफिट मैं बताना चाहता हूं वो बेनिफिट है फाइनेंशियल बेनिफिट। जो आज हमारी सबसे हैवी जो पेमेंट हमें करनी पड़ रही है वो एक ऐसा पेमेंट इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए पे करना पड़ता है, अगर हम वो सेव करते हैं तो हमारी एक फाइनेंशियल बेनिफिट वहां से जनरेट होती है। जो सोलर पावर है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली है क्योंकि उससे कोई पोल्यूशन जनरेट नहीं होता है। सोलर से इलेक्ट्रिसिटी जो हम ले रहे हैं वो ऑफ ग्रिड ऑन ग्रिड सिस्टम के थ्रू हम यूटिलाइज कर सकते हैं, अपने लैंड पे यूटिलाइज कर सकते हैं और आप जनरेट खुद कर सकते हैं, ये एक स्टडी इनकम के रूप में क्रिएट हो सकती है। सोलर पावर फ्री सोर्स है, इसके लिए कोई पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। आज हमारा देश दुनिया में नंबर 2 पोजीशन पे पहुंच गया है।
ये हमारा वेबसाइट का एड्रेस है, ये हमारे फोन नंबर है, इसको जरूर कॉल कीजिएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मिस्टर विक्रांत शुक्ला की बातें? उम्मीद करता हूं आपको अच्छी लगी होंगी। सोलर के बारे में जो जानकारी आपको विक्रांत जी ने दिया उससे आपको जरूर कुछ ना कुछ फायदा पहुंचेगा और उसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं और अपने घर में, ऑफिस में या जहां पे भी वर्किंग प्लेस पे आप सोलर को लगा सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल JWW ज्ञान की बातों को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता जाए। थैंक यू वेरी मच।